और तुम हर छोटी छोटी बात पर रोना बंद करो। जब तुम्हें अपना घर बना कर दूंगा ना, तो जो दिल में आए वो करना। ओके? हमारा घर। और कौन सा हम दोस्त हैं, इत्तेफाकन मिलने वालों को पीछे थोड़ी लगाया जाता है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी क्या बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना एहसान है तुम्हारा हम पर, तुम बिल्कुल पोस्ट नहीं करोगे, ये कार्ड मेरे हाथ में आके दोगे, समझे? इतनी मेहनत कर रहा है वो अपना बिजनेस यहाँ एस्टैब्लिश करने में, दिमाग खराब है उसका, मुल्क छोड़ के चला जाएगा। और रही हाला, तो उसकी इतनी औकात नहीं है कि मेरे बेटे को साथ ले जा सके। क्या समझती हो तुम, क्या समझती हो तुम, तुम मुझसे मेरा बेटा छीन कर ले जाओगी? नहीं 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 ताईजान, किसी गलतफहमी में मत रहना, पतंग जितनी ऊंची उड़ती है ना उतनी ही जल्दी कटती है। मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे। आ जाएगी समझ, क्योंकि तलाक का लफ्ज तो बहरी औरत को भी समझ आ जाता है। ताईजान आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि हमजा के मुंह से ये लफ्ज मेरे लिए कभी नहीं निकलेगा, तो फिर क्यों बार बार एक ही बात करके अपने आप को अजियत में डालती हैं? मैं कह रही हूं ना, तुम मुझसे मेरा बेटा नहीं छीन सकती। तलाक का लफ्ज तो बहरी औरत को भी समझ आ जाता है। हाला, सरप्राइज। कभी तो खुल के मुस्कुरा लिया करो हाला। इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर चलती आओ ना। I have a surprise for you. मेरे पास एक ऐसी चीज है जो इन उदास आंखों में मुस्कुरा देगी। ऐसा क्या है? खुद ही देख लो। समझ नहीं आ रहा। हम लंदन जा रहे हैं, तुम्हारे डैड के पास लंदन जा रहे हैं। लंदन? नफीस चाचू के पास आला। We're going to London. तुम मजाक कर रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। ये देखो, खुद पढ़ लो। एम्बेसी से तुम्हारी इंटरव्यू कॉल आई है। I am taking you to London, Ada. किधर? मैं दादी को बता के आती हूँ ना कि मैं डैड के पास जा रही हूँ। मैं आती हूँ। दादी, दादी, दादी। मैं तो कम से कम तुम्हें कभी इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि तुम उसको लेके चले जाओ। तुम्हें पाला पोसा, जवान किया, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि तुम शादी करो और बस बीवी के पल्लू से बंध जाओ। यार आप गलत समझ रहे हैं अब्बू, मैं लंदन जरूर जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ हाला को नफीस चाचू से मिलवाने। मिलवाने? जी मिलवाने। पागल हो गए हो तुम, नफीस कहाँ रहता है यार? यहीं कहीं लालू खेत में, गुलशन में रहता है। लंदन रहता है भाई, लंदन समझते हो ना? ऑफ कोर्स समझता हूँ, लेकिन ये हाला की ख्वाहिश है और मुझे उसकी ख्वाहिश कमाल है। हाला की ख्वाहिश है, मेरे सामने तो कभी उसने इस तरह की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। आज तक क्यों बैठे बिठाए उसे एकदम बाप की याद सताने लगी यार? नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। बहरहाल
तुम उसकी इस तरह की फजूल ख्वाहिश पूरी करने के लिए इतने पैसे बर्बाद नहीं कर सकते। आप मेरी बात, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात। लड़की की शादी हो जाती है तो अपने ससुराल को देखे, अब भाग भाग के उसको बाप की याद आ रही है, तुम हो के बस, इतना भी क्या जनमुरीद हो गया यार इंसान। मैं जनमुरीद नहीं, लेकिन आप संग दिल जरूर हो रहे हैं, और आप जानते हैं कि हालांकि ये ख्वाहिश बिल्कुल सही है। पैसों की रही बात तो सारी जिंदगी हमको कमाने के लिए, मैं और हाला लंदन जरूर जाएंगे। शुक्र है आपने इसे संभाल लिया, वरना एक और मुसीबत खड़ी हो जाती। अरे नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। बिल्कुल भी नहीं, आजकल के जमाने में तो लोग इंसान खो देते, आपने कार्ड संभाल लिया, बड़ी बात है। समीन ठीक कह रही है बेटा, ये तुम्हारा हम पर दूसरा एहसान होगा। प्लीज एहसान का लफ्ज मत कहिए। लेकिन फिर भी मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ, जिस तरह इसने तुम्हें यूनिवर्सिटी में हर्ट किया। नहीं नहीं, मैंने इस बारे में काफी सोचा और मुझे ये बिल्कुल ठीक लगी। लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए, मारो कि वो अजनबियों से फासला रखें, बल्कि मेरी नजरों में तो समीन जी की इज्जत बड़ी है। आप प्लीज माजरत मत कीजिए। अच्छा तुम बातें करते रहोगे, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, ये बिस्किट तो। अरे आप बैठिए ना, मैं लेता हूँ। हाँ प्लीज। चाचू मुझे यकीन है कि जब मैं आपको एक खबर बताऊंगी तो आपको मुझसे भी ज्यादा खुशी होगी। अरे ऐसी क्या बात है बेटा? मुझे लंदन लेके जा रहे हमजा, डैड से मिलवाने। चिरान सच में? ऐसी भी क्या खुशी, जरा आंखें खोल के बंदा इधर उधर भी देख लेता है। सॉरी 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 समीर, अस्सलाम वालेकुम। हाला बच्चे बच्चे क्या हो गया? हमजा मैं जानता था तुम मुझे अपने घर में देखकर ऐसे ही चकरा जाओगे। मेरी पहली झलक ने तुम्हारे होश उड़ा दिए हाला नफीस अहमद। आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। हमजा ये हाला क्या हुआ है? पता नहीं क्या हुआ है, सारा घर छोड़ के यहाँ ही बेहोश होना था इसको। ये बेहोश कैसे हो गई है चाचू, क्या हुआ है? हाला अभी इतनी खुशी खुशी लंदन जाने की बात कर रही थी, अचानक से गिर पड़ी। हाला 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 होश में हो? अभी आंखें खुल जाएंगी। चाची क्या कर रही है, पानी मत फेंके। हाला हाला होश में आओ। उठा आप डॉक्टर को फोन करें। आप किधर जा रहे हैं? हाला को देखने। जिसने हाला को देखना था ना उसे देख लिया। आप इधर आए, इधर देखें, बैठे ना, बैठे बैठे। आखिरी रकत पढ़ रही थी तो ऐसी बुलबुल की तरह चहकती हुई आई है मेरे पास। सलाम फेरा नहीं था तो शोर पड़ गया, हाला बेहोश हो गई, हाला बेहोश हो गई। हमजा क्या हुआ? दादी पता नहीं, मैं जब पहुंचा हूं तो चाचू ने कहा बेहोश हो गई है, मुझे तो खुद नहीं पता लगा। ऐसी कोई थोड़ा ही बेहोश हो जाता है, कुछ तो हुआ ना, मैं पता करती हूँ। दादी वो डॉक्टर ने कहा कि अंदर नहीं आना, वो चेक कर रही है। अरे अल्लाह खैर करे, ये अल्लाह खैर करे। जी डॉक्टर साहब। Everything is fine. She is expecting. She's what? ये क्या रोग लग गया? ये कौन सी नई बीमारी लगा दी इस नन्ही सी जान को? जरा फिर से बता। आप दादी बनने वाली हैं अम्मा जी। दादी नहीं, पर दादी कहो बेटा, पर दादी। रईस
जलीस, शाहजहान, अरे कहाँ हो तुम लोग? अरे जलीस, अरे कहाँ हो शाहजहान? मेरी आला, दादी सदके क्या हुआ हाला? तबीयत ठीक है तुम्हारी? लेटी रहो, लेटी। नहीं ना, नहीं। ऐसे क्या देख रही हो? रिलैक्स। चाचू के कमरे में थी, बेहोश हो गई थी। बेहोश? अरे पहेलियां क्यों बुझा रहा है? देख तो कैसे हरासा हो गई ये बच्ची, रंग कैसा सफेद पड़ गया। चाचू के कमरे में कोई था? कोई था ना दादी? कोई क्या हॉल फॉल बके जा रही है? क्या कोई हवाई चीज देख ली है? कोई नहीं था बेटा, कुछ नहीं था, हो जाता है ऐसी हालत। नहीं नहीं दादी, सही कह रही है। चाचू के पास गेस्ट थे, मैं भी नहीं देख सका। इसको बेहोश देखकर तो मेरे भी होश उड़ गए। तो यानी मेरा वहम नहीं था, मैंने ख्वाब नहीं देखा था, वो खुरम ही था। हाला, हाला, कहाँ जा रही है? नहीं, नहीं, मुझे जाना है दूर यहाँ से। हाला, क्या हो गया तुम्हें? मैं सच कह रही हूँ, ये तो अपने हवासों में नहीं है, इस पर किसी मनहूस का साया पड़ गया। तुम बेटा रुक जा, मैं अभी दम करती हूँ, अभी दम कर देती हूँ बेटा, अभी दम कर। ऐसी हालत में ऐसे हो जाता है कि कैसी हालत में क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं हुआ, मैं बताता हूँ, कुछ नहीं। सॉरी सॉरी समीर, अस्सलाम वालेकुम। अरे बेहोश कैसे हो गई है? चाचू क्या हुआ है? हाला, मैं तुम माँ हन, पहले मुझे भी लगा था इट्स टू अर्ली, एकदम ये बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग इतने खुश हैं, तुम खुश नहीं हो? क्या हुआ, इज एवरीथिंग ओके? डर लग रहा है। किस बात से? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थैंक यू। जब तुम्हें अपना घर बना कर दूंगा ना, तो जो दिल में आए वो करना। शौहर होने की ऐसे ऐसे घर तो बना ही सकता तुम्हारे लिए। भाई जान, आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि हमजा के मुंह से ये लफ्ज़ मेरे लिए कभी नहीं निकलेगा, तो फिर क्यों बार बार एक ही बात करके अपने आप को अजियत में डालती? ये दवाई खा लें, वरना आज आपका बीपी हाई होने से कोई नहीं रोक सकता। दफा जाओ यहां से। ये क्या है? मैं कह रही हूँ बकवास बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारी जबान काट के तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगी। जाओ।
आ गया, लेकिन किस नाते से? और वो कोई अचानक मेहमान नहीं था, पूरी मेज सजी हुई थी। क्या समीर का क्लास फेलो? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो खुर्रम की यूनिवर्सिटी तो कब की खत्म हो चुकी है। मगर जिस तरह खुर्रम सबसे बात कर रहा था, सबके साथ बैठा था, किससे पूछूं मैं, किसको बताऊं? नहीं नहीं नहीं, बता तो किसी को भी नहीं सकती। क्या होने वाला है हालात? सोच। हमारी खुशी को ग्रहण लग गया है। कैसे खुशी मनाऊं मैं? समीर को बहुत सदमा हुआ है। कुछ कहा उसने तुमसे? वो मुंह से कब कुछ कहती है, माँ उसकी जानती हूँ। सोफिया, बिला वजह वहम मत पालो। कुदरती बात है, शादी होती है, बच्चे भी होते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे भी धचका लगा है। कैसे रवा हो गई है हालांकि जिंदगी, पुरसकून जिंदगी जैसे। जब इंशाअल्लाह समीन का वक्त आएगा, सब हो जाएगा। इसका रिश्ता हो जाता बस। सुफिया, देखो, समीन इस सब वाके से उभर कर अपने रास्ते पर गामजन हो गई है। तुम सर पे सवार मत करो, पढ़ने दो उसे। शादी के बाद भी तो पढ़ाई हो सकती है ना। अब तो नया जमाना है, शौहर बीवियों को आगे बढ़ने में खुद मदद करते हैं। और वो जो उस दिन तुमने कहा था कि सास नंदे हांडी भुनने पर लगा देती हैं, और सास नंदों का अगर झंझट ही ना हो? लड़के गमलों में उगते हैं, मुझे नहीं पता था। अगर मैं कहूं कि मेरी नजर में ऐसा एक लड़का है, कौन कौन लड़का? समीन, आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? इस वक्त तो आपको क्लास में होना चाहिए। क्लास नहीं हो रही, कैंसिल हो गई। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी। थैंक यू। घर में सब खैरियत? हाँ, घर में सब ठीक है। क्यों? आई मीन, वो कल इमरजेंसी हो गई थी ना। आई एम सॉरी समीन, पता नहीं मुझे ये बात पूछनी चाहिए या नहीं, लेकिन आप ही ने मुझे बताया था ना कि घर में आप और आपके पेरेंट्स रहते हैं, फिर वो सब लोग आप प्लीज इस तरह उदास मत होइए। आपको अफसरदा देखा मैंने तो इस वजह से मेरा ध्यान उधर चला गया। पर अगर आप मुझे बताना नहीं चाहती तो इट्स ओके। समीन प्लीज, आपको मैं इस तरह उदास नहीं देख सकता। आप मुझे कॉन्फिडेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड ही अच्छी लगती हैं। जिस तरह आप खुश हो खुर्रम, मैं
खुर्रम, इंसान के इर्द-गिर्द तो बहुत से लोग होते हैं ना, लेकिन कौन हमारी जिंदगी में रहे इसका अख्तियार हमारे पास होना चाहिए। और मेरी जिंदगी में उस घर में सिर्फ दो लोग हैं, मेरे पेरेंट्स, बाकी सब तो हजूम है। सही कह रही हैं आप। कभी इंसान हुजूम में भी तन्हा रह जाता है और कभी कोई किसी के लिए सब कुछ हो जाता है। समीन, आप मेरे लिए हुजूम बन गई हैं, मेरे चारों तरफ फैल गई हैं आप। जी हाँ समीर, आपके अब्बू आपकी अम्मी मुझ जैसे तन्हा इंसान के लिए सारा जहां बन गए। चलो ठीक है भाई, अगर तुम लोग मुतमईन हो और तुम्हारी बेटी भी खुश है तो हम क्यों कुछ कहेंगे। जी जी भाईजान, हम बहुत मुतमईन है और हमारी बेटी भी हमारे कहे में है। हाला? हाँ? क्या हो गया, कुछ भूत देख रही हो तुम? ये पैक के पियो। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू हौसला है। तेरी जात में ही छुपी मेरी ही कहानी है, जिक्र तेरा याद रहे रात आंखों में। खुर्रम, खुर्रम? हाँ, जलीस वो हमारे तबक्कुआत के ऐन मुताबिक है, अकेला भी है, शराफत और किरदार से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, शक्ल और सूरत में भी किसी से कम नहीं, पढ़ा लिखा है, नौकरी तो उसे मिल जाएगी, उसमें आगे बढ़ने का जज्बा है। समीन के मेयार के मुताबिक है, घर घाट तो है नहीं, खानदान का भी कुछ पता नहीं है। खानदान के तो उसके महज़ब आदात से पता चलता है, और रही बात घर घाट की, हमारा सब कुछ समीन का ही तो है। तो समीन मान जाएगी, और ये खुर्रम से कौन बात करेगा भला? हाँ, ये सोचने वाली बात है, इस पे तो सोचना पड़ेगा, लेकिन आपको पसंद है खुर्रम? हाला, एक बात तो बताओ, ये खूबसूरत लोग जब शीशे में देखते हैं तो क्या सोचते? कि काश किस्मत भी इतनी अच्छी होती। क्या हुआ है किस्मत को? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। सुकून? सुकून नहीं, सुकून चाहिए था बस। खाना खाना या? आई नो, लंदन वाली बात पर अफसोस हो रहा है। इधर देखो, तुम, मैं और हमारा बच्चा लंदन जाएंगे, एंड आई प्रॉमिस, यकीन है मुझ पर?
तस्वीर मन में बस यार की तस्वीर पड़ी तेरे प्यार की। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत जहर आशिकी है। आप सच कह रही हैं अम्मी, तुम्हारे अब्बू भी ऐसे ही हैरान हुए थे फिर मान गए। मान गए कैसे? बस तुम्हारी माँ के दलाइली ऐसे। मगर ऐसा कैसे मुमकिन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें क्या पता वो कौन है क्या है। देख कर एक दाना ही चखते हैं बेटा, जिस तरह उसने तुम्हारी मदद की जब वो एक अजनबी लड़की के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर कूद गया, तो सोचो जब एक लड़की की हिफाजत की जिम्मेदारी लेगा तो क्या क्या नहीं करेगा। मैंने हर बात तुम्हें खोल कर बता दी है, कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम अच्छी तरह सोच लो। और मैं अपनी बेटी की रजा के बगैर कुछ भी नहीं करूंगी। जी कोई और लड़की होती तो इशारे समझ जाती, हाथ मिलने पर बाजू पकड़ लेती है। समीन और तरह की लड़की है। खैर जैसी भी हो, मुझे तो उसके घर के अंदर जाना। सोच खुर्रम, कोई सॉलिड बहाना सोच, कोई सॉलिड बहाना। क्या करूं? खुर्रम, हेलो खुर्रम बेटा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो तुम्हें ही अभी याद कर रही थी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठिए ना। अब प्लीज आप पहले तशरीफ रखें। जी ये मिठाई। जॉब मिल गई इसे। ओह दैट्स ग्रेट, आपने बताया नहीं। मुझे भी फोन पे नहीं बताया, बस मिठाई लाने की इजाजत मांगी। मैंने कहा भाई मिठाई लाने की भी कोई इजाजत मांगता है। आंटी मेरे पास कोई था ही नहीं खुशी बांटने के लिए, मैं यहाँ आ गया। अम्मी भी इस इंतजार में दुनिया से चली गई। खुशी भी किसी रह गई। बेटा माए दुनिया से जाने के बाद भी अपनी औलाद की खुशी और गम से बेखबर थी। उनकी रूह आज बहुत सुकून में होगी। आप तो बहुत बहुत ऊंचे थे, मगर यहाँ पे तरक्की के चांसेस ज्यादा हैं। बाकी तो इंसान सारी जिंदगी मेहनत कर सकता है। बेफिक्र रहो बेटा, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल आप। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे बुरे दिन चले गए। मेरा मतलब कि आप जैसे अच्छे लोगों से मुलाकात हो गई। वरना तो अम्मी के बाद कई दिन ऐसे गुजर जाते थे किसी से भी बात किए बगैर। तो अब तो जॉब मिल गई है, शादी कर लो, बात करने को भी कोई मिल जाएगा, और जब औलाद होगी तो अपना खुद का खानदान भी बन जाएगा। अरे नहीं आंटी, मुझ जैसे अकेले को कौन लड़की देगा? लोग 100-100 सवाल करेंगे। नहीं बेटा ऐसी तो कोई बात नहीं है,
आप में कोई कमी नहीं है, दिल हल्का मत करो। अगर तुम कहो तो हम कहीं तुम्हारे रिश्ते की बात चलाएं। वाकई आंटी, आई मीन मेरे लिए तो बड़े एजाज की बात होगी अगर आप मेरे लिए इतना करेंगी। लेकिन आंटी, लड़की पढ़ी लिखी हो, खानदान अच्छा हो, और बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। समीर, तो अपने कमरे से ड्राई फ्रूट ले आओ, मैं चाय बनाती हूँ। जी अम्मी, अम्मी बाहर वही लड़का है। कौन? लोग बेटियों का रिश्ता करते हुए बहुत कुछ देखते हैं बेटा, ऐसे जैसे छलनी लेकर छानते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। तुमने जैसे समीन की इज्जत और जान बचाई, वो हमारे लिए सबसे अहम है। मर चाहे कुछ ना हो, मुहाफिज होना चाहिए। मैं खुद एक कमजोर मर्द हूँ, शायद इसलिए ऐसा सोचता हूँ। बेटा, तुम्हारी शराफत और किरदार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। कुछ मत कहना, कोई जबरदस्ती नहीं है, बस ख्याल आया था। तो आंटी, मैं क्या कहूँ, आप लोगों ने तो मुझे कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा। आप लोगों से ताल्लुक रखने की जो मेरी ख्वाहिश थी, उसे मैं कभी जबान पर लेकर ही नहीं आ पाता। आपने मेरे लफ्जों को जबान दे दी। क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? अभी तो तुम्हें कहीं छोड़ के गया हूँ। हाँ। हाँ? इधर आओ, बेड पे बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं अपना रंग तो देखो कैसे सफेद हो गया। पानी देता हूँ तुम्हें। हाला? हाँ? क्या हो गया, कोई भूत देख रही हो तुम? ये पैक के पियो, क्या हरकतें कर रही हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्या देख लिया है, कोई भूत देख लिया है? और याद है उन्होंने चैलेंज किया था कि रिश्ते का पहला लड्डू आपको ही खिलाएंगी। रूमी बेटा, मुझे अपना चैलेंज याद है, लेकिन ये मिठाई उसके लिए नहीं है। लेकिन वो मिठाई अनकरीब वो भी खिला दूंगी इंशाल्लाह। कौन है सुफिया? थोड़ा सबर आपा, चांद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी और आपको भी कोई मना नहीं करेगा, वादा। तुम कुछ ज्यादा तर्रार नहीं होगी सुफिया? बिल्कुल नहीं, बहुत अरसे आपकी आंखों से दुनिया देखी है, अब अपनी आंखों से देखूंगी। लेकिन फिक्र ना करें, इतने साल की शागिर्दी है, आपका नाम बदनाम नहीं करूंगी। मत भूलो, बिल्ली ने शेर को सारे गुड़ सिखा दिए थे, दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। आपा, आपसे किसने कहा कि मेरा उछलने कूदने का इरादा है? रूमी बेटा, तुम तो लो ना। शाहजहान, मिल्कशेक नहीं तैयार हुआ अभी तक? मिल्कशेक? कौन सा मिल्कशेक? हाँ, याद नहीं है, सुबह कहा था कि हाला को शाम की चाय नहीं देनी, मिल्कशेक देना है। तो हाला को मिल्कशेक चाहिए तो बना ले, मेरा क्या काम है?
हाय हाय, तेरा काम नहीं तो और किसका काम है? भूल गई ना अपने जमाने, जब तेरे बच्चे होते थे तो मैं अपने हाथों से कैसे हलवे मांडे बना के खिलाती थी। वाह शाहजहान वाह। वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। क्या खैरियत, क्यों इतना ऊंचा बोल रही? रईस तू गवाह है, जब हमजा होने वाला था तो मैं रोज आना इसके सर में तेल नहीं डाला करती थी, और अब ये है कि अच्छा वो आप आइए ना, यहाँ आइए। ए बहन, अब भी बताने की क्या जरूरत थी? ऊंट नाक के नीचे से निकाल दिया, मिठाई का डब्बा आ गया, और आप कह रही हैं एक रिश्ता है। फूफो वो मिठाई तो अपनी नौकरी की खुशी में लाया था माशाल्लाह से। क्या हो गया हाला? क्या हुआ है, क्या हुआ हाला? अरे दादी देखिए, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, काम पी रही थी। है होना क्या है, नजर लग गई। इधर ना मेरा बच्चा, इधर ना, मैं अभी दम कर देती हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ उधर, हाँ बैठ इधर। ए वैरों से क्या गिला, यहाँ तो अपनों के मुंह में कीड़े पड़े हुए हैं। मुबारक तो छोड़, शुक्राना तक तो अदा नहीं हुआ। वो अगर आपका दम दुरुद पूरा हो गया तो हम अपनी बात पूरी कर लें। हो गया अम्मा? अच्छा चलो तुम बताओ भाई, लड़के के आगे पीछे कोई है, क्या है सिलसिला? जी जी भाईजान, बहुत शरीफ खानदान से। हाँ तो किसका बेटा है, खानदान कौन सा है? जी जी भाई, वो मेरे पुराने दोस्त का बेटा है। ओ? वो तो चाचू किसी और का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि खुर्रम के अबू तो उसके बचपन में ही फौत हो गए थे। चलो ठीक है भाई, अगर तुम लोग मुतमईन हो और तुम्हारी बेटी भी खुश है तो हम क्यों कुछ कहेंगे। जी जी भाईजान, हम बहुत मुतमईन है और हमारी बेटी भी हमारे कहे में है। है, ऐसे कैसे हो सकता है? सबसे पहले मैं देखूंगी, अगर लड़का मुझे पसंद आया और अपनी पोती के लायक हुआ तो होगा ये रिश्ता, वरना खुदा हाफिज। शाहजहान, ये जग दिखावे के लिए लेकर आई है? अरे डाल ना, सबको पिला, बल्कि सबसे पहले तो हला को दे। वो लड़का बहुत अच्छा है, आपको बहुत पसंद आएगा। चलो देखते हैं। दादी इसका जायका नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा तो ना पी बेटा, ये बता दे कि तुझे क्या चाहिए, कौन सा जूस पीना है। मैं बस हमजा को कह दूंगी कोई जूस ले आएगा। ना 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 ना, बाजार का जूस बिल्कुल नहीं, अरे केमिकल डाल देते हैं उसके अंदर, बिल्कुल नहीं। शाहजहान सुबह मैंने अनार मंगवाए हैं, किन्नू मंगवाए हैं, भाई अनार काट के ले आओ, बच्ची को खिलाओ, ऐसा सफेद रंग हो रहा है उसका। दो तीन काट लेना, मैं भी खा लूंगा थोड़ा। हाँ सबके लिए काट ले। तो फिर बुलाओ भाई उन्हें, उसके घर वालों को बुलाओ, अम्मा से मिलवाओ उन्हें, हमसे भी मिलवा दो। अरे वाह, आप तो बड़ी फिल्मी मां निकली। पोते के आने की खुशखबरी का सुन के बहू के सारे गुनाह माफ कर दिए और उसकी सेवा में लग गई।